दोस्तों जैसा अशोक जी ने अभी कहा उसमें थोड़ी सी लाइन और अलग उसमें जोड़नी होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ पानी पे नहीं है, पानी का जहरीले पानी का तो चित्कार हाहाकार ये पूरी दिल्ली की गलियों में मचाई हुआ है। और हमने आपसे कुछ दिन पहले भी बात करी, हमने आपको बीआईएस के सैंपल का रिजल्ट भी बताया, आपने स्वयं ही उसको अपने अपने फोरम से सबको बताया। आज हमें वापस इसलिए बैठना पड़ा कि पानी के ऊपर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी लगातार झूठ बोल रहे हैं, हम उसका एक बहुत ही रियलिटी टेस्ट के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट लेके आए हैं जो हम दिल्ली को थ्रू मीडिया दिखाना चाहते हैं और आप सबको भी बताना चाहते हैं, क्योंकि आप तो मीडिया चौथा स्तंभ है और पहले उनको सेटिस्फाइड होना जरूरी है कि वास्तव में दिल्ली में पानी की स्थिति क्या है। कल एक बड़ी घटना ये घटी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए और भी जो बोला वो तो बोला, लेकिन तीन लाइनें इतनी खतरनाक कलाई कि दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने दिल्ली को नरक से भी बदतर बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा मैंने पहले ही बताया ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट तो इस हद तक दिल्ली की स्थितियों से गंभीर और चिंतित हुए कि उन्होंने ये भी कहा कि तिल तिल करके मारने से अच्छा तुम बम बॉम्बिंग कर दो, दिल्ली को एक की वन गो में मार डालो। ये कहने के पीछे जिन जिन झंझावातों से गुजरी होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसका कल्पना उसका एहसास दिल्ली और देश के लोग कर सकते हैं। बट वन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इट विल टेक सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ वाटर पोल्यूशन इशू इन नेशनल कैपिटल टू वेरीफाई वेदर द ड्रिंकिंग वाटर इज सेफ और नॉट फॉर द पीपुल एंड आस्क सेंटर्स एंड दिल्ली गवर्नमेंट टू कम बैक विद ऑल रिलेवेंट स्टडीज। हम इस लाइन को बहुत ही पॉजिटिव ढंग से ले रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार इसीलिए बीआईएस के थ्रू सैंपल का जांच करा रही है, लेकिन उस बीआईएस के द्वारा सैंपल जांच के बाद जो रिजल्ट आया कि दिल्ली का पानी जहरीला है, हर पानी का सैंपल किसी न किसी पैरामीटर पे फेल है, उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल जी का जवाब आया वो सबसे ज्यादा खतरनाक और दिल्ली को मौत के मुंह में ढकेलने वाला है। ये हम इस आधार पर नहीं कहते कि अब तुरंत उन्होंने बोल दिया और हमने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। उन्होंने जैसे ही बोला कि हमने इन इन कॉलोनी में पानी की पाइप डाली, शुद्ध पानी दिया, पीने लायक पानी दिया, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीधे अरविंद केजरीवाल जी के उन स्टेटमेंट के बाद जहां जहां का नाम लिए वहां वहां रियलिटी टेस्ट कराए विद वीडियो ऑडियो। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, वरना ये जो वीडियो हमने 22 नवंबर के बाद रियलिटी टेस्ट में बनवाए हैं इसके लिए हम जब सबकी सुनेंगे तो 8-10 घंटा ही सुनना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। और ये दावा जो मुख्यमंत्री जी ने किया है ये 22 नवंबर को किया है जब ये दिल्ली के पानी का पीएस ने सैंपल टेस्ट लिया, उसके बाद जो दावा किए उस दावा की कलई है। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है उसको ये पूरा वीडियो समझने वाला, देखने वाला, सुनने वाला समझ सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की स्थिति को लेकर के क्यों इतना तल्ख हुए। केंद्र सरकार को भी साथ में उन्होंने कहा है, हमने आपको पढ़ के सुनाया ना कि द पीपुल एंड आस सेंटर्स एंड दिल्ली गवर्नमेंट टू कम बैक विद ऑल रिलेवेंट स्टैटिस्टिक्स। हम तो आ ही रहे हैं, हम इसलिए नहीं उस सैंपल्स ले रहे हैं कि हम इसको सिर्फ इस पे
हमको हंगामा खड़ा करना है, हम तो कह रहे हैं कि आपको 5 साल का समय मिला, आपको ये स्थिति बदलनी चाहिए थी। ये सारे जो आपने दावा किए हैं उस दावे को लेकर के ही हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद आप स्वयं देख लीजिए कि 22 नवंबर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किए थे और 4 जगह बताए पाइपलाइन डाली है, और 4 जगह पे पुराणी के संत नगर में, पुराणी के कमालपुर में, पालक के महावीर इंक्लेव में, महावीर बिहार कह दिए, इनको शायद पता नहीं है कि महावीर बिहार नहीं, महावीर इंक्लेव है। तो जब आदमी को गली और जमीन से मतलब होता है, उसमें जुड़ा होता है, तो उसका नाम याद रहता है, कोई बात। करावल नगर, ये सारी जगहों पे हमने जो दिखाया वो आपके सामने हमने रख दिया। हमारी दिल्ली में इसके बाद जो भ्रम पैदा करते हैं, हमसे हर जगह से आवाज आती है, मनोज जी ये अरविंद केजरीवाल ऐसा कहते हैं। अब वो जो कहते हैं उसकी तो देख लीजिए, यही उसकी सच्चाई है। दिल्ली की पब्लिक क्या कहती है, दिल्ली के बच्चे क्या कहते हैं, दिल्ली के बड़े बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, दिल्ली की गलियां क्या कह रही हैं, ये सुनने का और समझने का समय है साथियों। इसलिए हम आपके सामने बैठे हैं और इस वीडियो को एक लाइन में हम कहें तो केजरीवाल के झूठे वादे वर्सेज जनता की आवाज आप सबके समक्ष है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि दिल्ली के बच्चों की, महिलाओं की, नागरिकों की, वरिष्ठों की प्राण बचे। इसके लिए हमारे पास, चूंकि हम कई ऐसे कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों की इन समस्या को दूर करने के लिए उपाय लगाया जाए। अब इसमें तो समस्या हमारी यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ये भी नहीं कह सकते ना कि एलजी साहब ने फाइल रोक दी, क्योंकि ये तो पानी के मुद्दे पे आप सबको पता है इसमें फाइल कहीं नहीं जाती है, सिर्फ और सिर्फ जल बोर्ड और मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी जो पहले इसके अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष, उन्होंने और कोई मिनिस्ट्री लिया भी नहीं। हालांकि आज इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है, मैंने भी कई लोगों से पूछा कि भाई ये चीफ मिनिस्टर के पास कोई पोर्टफोलियो क्यों नहीं है, तो कई विशेषज्ञों ने बताया कि चूंकि उनको पता है कि हम काम तो करेंगे नहीं, भ्रष्टाचार होगा ही होगा और जेल जाने की नौबत आएगी, तो हम उससे दूर रहें ताकि हम फिर लोगों की टिकटें काटकर अपने चेहरे को फिर चमका सकें।